तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सीतापुर लखीमपुर मार्ग के पीरपुर है, जहां सोमवार तड़के करीब 2:30 बजे तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। सड़क हादसे में लकड़ी लदी ट्रॉली पर सवार चाचा भतीजा सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित शाह महोली चौकी क्षेत्र हुई दुर्घटना में ट्रक चालक सहित 7 लोग घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। कोतवाली प्रभारी टीपी सिंह का कहना है कि ट्रक को कब्जे में लेकर केस दर्ज किया गया है। आज दिनांक 24 अगस्त 2020 को थाना क्षेत्र देवार में थाना पुलिस द्वारा ग्राम पाटनपुर में हरगोविंद नाम के व्यक्ति के घर में अवैध रूप से संचालित गुटखा फैक्ट्री पकड़ी गई है। मौके पर 2 लोग पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए हैं। मौके पर से भारी मात्रा में गुटखा बनाने का सामान, जो बेस मटेरियल होता है, वो गुटखा बनाने की मशीन, अन्य काफ़ी सामान, पैकेट पाउचेस, पैक्ड अवैध गुटखा, ये सब भी पकड़ा गया है। फिलहाल इस मामले में जो व्यक्ति हिरासत में लिए गए हैं उनके द्वारा कुछ अन्य लोगों के नाम बताए गए हैं, जिसके संबंध में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। बीती रात लगभग 2 बजे के आसपास एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक ट्रैक्टर ट्राली को पीछे से एक कंटेनर ने टक्कर मार दी। ये घटना लखीमपुर और सीतापुर मार्ग पे हुई थी, जिसमें कि ट्रैक्टर ट्राली जो कि लिप्टिस की लकड़ी लेके जा रही थी, उस पर 11 व्यक्ति सवार थे, वो सभी घायल हुए। वहाँ से सभी को लेके जब आया गया तो रास्ते में ही 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, बाकी जो लोग बचे थे उनको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका उपचार कराया गया। एक व्यक्ति ज़्यादा गंभीर था, जिसे कि लखनऊ रेफर किया गया था, देर रात उसकी भी मृत्यु हो गई है। कुल 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और बाकी जो जितना उपचाररत हैं वो सभी स्वस्थ हैं। मौके पर कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था और यातायात व्यवस्था की कोई स्थिति बिल्कुल सामान्य है।